हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियो। शादी के बाद राहुल अपनी पत्नी रेखा के साथ लंदन में शिफ्ट हो गया और उसकी माँ कमला रामनगर में अकेले ही रहने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो कमला बूढ़ी होने लगी, इसलिए राहुल ने अपनी माँ को अपने पास लंदन बुलाने का सोचा। लेकिन ये बात मेघा को खटकने लगी। राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि मम्मी जी यहाँ एडजस्ट भी कर पाएंगी? अब वो गाँव में गाय भैंसों के बीच रहने वाली, क्या उनका यहाँ मन लग जाएगा? मेघा, हर किसी को नई जगह एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तुम्हें भी तो लगा था यहाँ आकर, धीरे धीरे वो भी एडजस्ट हो जाएंगी। मेरा ऑफिस का दोस्त इंडिया गया हुआ है तो मैं माँ को उसके साथ लंदन बुला रहा हूँ, और अब मुझे इस बात पर कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, समझी? मेघा को अपनी देहाती सास को लंदन बुलाना सही नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपने पति को मना भी नहीं कर सकती थी। कुछ दिन बाद उसकी सास कमला लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करती है और राहुल और मेघा उसे लेने एयरपोर्ट पहुंचते हैं। तेरी कोना मम्मी जी, जीती रहो बहू, कैसी है तू? अरे राहुल मेरा बिटवा, कैसा है ऋतु? हाय मेरा लाल, कितना कमजोर हो गया है ऋतु, भैंस का दूध घी नहीं पीता है का? सासू माँ, लंदन में भैंस नहीं होती है। भैंस नहीं होती तो पहले बोलती बहू, मैं अपने साथ रामनगर से भैंस ले आती। सासू माँ, एरोप्लेन में भैंस लाती? चुप कर तू, उन मुयों ने इतने सारे पैसे लिए हैं मेरे बेटे से टिकट के, जिसमें इंसान तक भैंस के साथ में आ जाए। अच्छा राहुल बेटा, जरा कुली को तो बुला। कुली? एयरपोर्ट पर कुली? तुम हंसना बंद करोगी? माँ, एयरपोर्ट पर कुली नहीं होते, यहाँ ट्रॉली होती है जिसमें सामान रखकर लाया जाता है। फिर कमला उनके साथ घर आ जाती है, जहाँ पहुँचकर वो अपनी बहू से कहती है, बहू मेरे लिए पानी तो चढ़ा दे चूल्हे में, जरा नहा लूं, पूरा बदन थकान से चूर चूर हो रहा है। अरे माँ, उसके लिए गैस पर पानी गर्म करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ आओ। ये गीजर है और इसे ऑन करने से पानी अपने आप गर्म हो जाएगा। राहुल उसे बाथरूम में ले जाता है और सब समझा देता है। तभी कमला की नज़र बाथरूम में रखे बाथटब पर जाती है। बिटवा, ये क्या है? तुमने पानी की होदी बाथरूम के अंदर ही बनवा ली, अरे इसको तो बाहर बनवाना चाहिए था ना। ओफो माँ, ये होदी नहीं बल्कि बाथटब है जिसमें बैठकर नहाया जाता है। इतना बड़ा टब, इसमें तो हमारे गाँव के सारे बच्चे एक साथ डुबकी लगा लेंगे। अगले दिन कमला किचन में जाती है और अपनी बहू से कहती है, लाओ बहू मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मम्मी जी, ये लंदन का मॉड्यूलर किचन है, आपके गांव की रसोई नहीं है जहां आप खाना बनाती हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव, बर्तन धोने के लिए डिश वॉश, खाना बनाने के लिए इंडक्शन चूल्हा। मुझे तो लगता है आपने इन सब के कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मेघा ठीक कह रही है माँ, तुम आराम करो, मेघा है ना वो सब कर लेगी। कुछ देर बाद मेघा नाश्ते में नूडल्स लेकर आती है। हे राम, ये केचुए क्यों बनाए तूने बहू? मैंने तो सुना था बाहर देश के लोग ये सांप केकड़े खाते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। मम्मी जी, ये केचुए नहीं नूडल्स हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज राहुल कमला को लंदन दिखाने ले जाता है, जहाँ एक बड़ा सा फाउंटेन देख कमला उसके सामने हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जटाधराय। मम्मी जी, ये आप क्या कर रही है? अरे दिख नहीं रहा, जमीन से साक्षात गंगा निकल रही है। हमारी गंगा मैया की ताकत देखी, भारत से लंदन तक भी आती है। राहुल बेटा, मेरा तो डुबकी लगाने का मन कर रहा है इसमें, हर हर गंगे। मेरी माँ, ये कोई गंगा नहीं है बल्कि फाउंटेन यानी कि फव्वारा है। अब चलो यहाँ से। कुछ देर बाद वो मॉल जाते हैं, जहाँ स्केटर देखकर कमला घबरा जाती है। हे प्रभु, हे राम, चलो चलो बेटे यहाँ से चलो, यहाँ तो कौनो भूत भूत का साया है। क्या मतलब मम्मी जी? अरे वो देखना बहू, सब लोग खड़े हैं और ये सीढ़ियाँ अपने आप ही चली जा रही हैं। जरूर कोई भूत है। माँ, ये भूत नहीं बल्कि एस्केलेटर सीढ़ियाँ हैं जो कि बिजली से चलती हैं। बेटा, तेरे शहर में हर चीज बिजली से चलती है क्या? फिर तो लाइट जाने पर सारा शहर ही रुक जाता होगा। उसके बाद वो सभी जू जाते हैं, जहाँ छोटे वन जानवरों को देख कमला कहती है, हाय इन अंग्रेजों ने इन मासूम जानवरों को भी पिंजरे में कैद कर दिया, इनकी भी ना गुलामी करवाने की आदत ना जाएगी। मम्मी जी, ये सब तो बस मनोरंजन के लिए है। अच्छा, अगर यही जानवर जेल में पड़े आदमियों को देखने जाए तो क्या उसे भी मनोरंजन कहेंगे? कमला के मुँह से ये बात सुनकर मेघा और राहुल को समझ आ जाता है कि भले ही माँ को चीजों का ज्ञान कम हो, लेकिन इंसानियत का ज्ञान उनसे कहीं ज्यादा है।
अब मेघा अपनी सास का मजाक नहीं उड़ाती बल्कि उसको लंदन के सभी तौर तरीके समझाती है और अब वो अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अनुपमा अपने इकलौते बेटे उदय के साथ चंडीगढ़ शहर में रहती थी। उदय एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था जहां उसे सौम्या नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। सौम्या अनुपमा की इकलौती बहू है और वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है जबकि अनुपमा के लिए सब कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है। लेकिन फिर भी अनुपमा एक बहुत अच्छी सास है जो अपनी बहू का हर कदम पर साथ देती थी। उदय और सौम्या की शादी को भी कुछ महीने ही हुए थे जिस कारण घर के सारे हिसाब किताब उदय ही करता था। एक बार उदय को किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है तो वो घर के हिसाब किताब की जिम्मेदारी सौम्या को दे जाता है। उसके जाने के बाद सारा हिसाब किताब सौम्या ही देखती है। शादी के 3 महीने बीत जाने के बाद भी सौम्या को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी सास अनुपमा को जरा भी पढ़ना लिखना नहीं आता है और ना ही कभी उदय ने सौम्या से इस बारे में जिक्र छेड़ा। एक बार जब सौम्या को घर का राशन पानी लेने बाजार जाना होता है तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं राशन लेने जा रही हूँ, अगर पीछे से दूध वाले भैया अपना हिसाब लेने आए तो आप उन्हें तिजोरी से 2000 रुपए दे देना। हाँ हाँ बहू तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं दूध वाले का हिसाब कर दूंगी। अनुपमा इस उम्मीद में अपनी बहू की बात मान जाती है कि उसने अलमारी में गिनकर ही पैसे रखे होंगे जिन्हें वो निकाल कर दूध वाले को दे देगी। थोड़ी देर बाद सौम्या बाजार चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद उनके घर की घंटी बजती है। राम राम मैम साहब, मेरे पिछले महीने का हिसाब दे दो मैम साहब। हाँ हाँ यही रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। अनुपमा दूध के पैसे लेने कमरे में जाती है और जैसे ही तिजोरी खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। है? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 1000 रुपए कितने होते हैं? शायद बहू ने दूध के पूरे पैसे ही रखे हैं। एक काम करती हूँ, ये नोट की गड्डी दूध वाले को दे देती हूँ, जितना भी हिसाब होगा वो अपने आप देख लेगा। अनुपमा 2000 से ज्यादा पैसे ले जाकर उसको दे देती है और कहती है, अरे रामलाल ये लो और एक बार मुझे ये पैसे गिनकर बता दे, अगर ज्यादा हो तो मुझे लौटा दे और कम हो तो वो भी मुझे बता दे। रामलाल ये बात भली भांति समझ जाता है कि अनुपमा एक अनपढ़ औरत है और उसे पैसों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर वो कहता है, माँ जी पैसे पूरे हैं, है? मेरे इतने ही पैसे थे और हाँ बहुरानी से कह देना आज तक का मेरा पूरा हिसाब हो गया है। अच्छा इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सौम्या बाजार से आती है और अपनी सास से कहती है, सॉरी माँ जी मुझे बाजार से लौटने में देर हो गई, आज बाजार में भीड़ इतनी थी कि क्या कहूँ। अच्छा माँ जी क्या दूध वाले भैया अपना हिसाब ले गए? आपने उनका हिसाब कर दिया? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और हाँ मैंने दूध वाले का हिसाब कर दिया है। वो कह रहा था कि उसका अब तक का सारा हिसाब हो गया, फिर भी तुम एक बार तिजोरी देख लेना कि कहीं पैसे कम तो नहीं हुए। इसके बाद सौम्या आकर अपने कमरे में जाती है और तिजोरी खोलकर देखती है तो वहाँ पैसे कम होते हैं। वो आकर अनुपमा से पूछती है, माँ जी आपने पैसे किसी और काम में भी खर्च किए हैं क्या? वहाँ से पैसे जरा ज्यादा निकले हैं। बुरा मत मानिएगा मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने कहीं पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए, क्योंकि तिजोरी में पैसे 1000 रुपए से ज्यादा निकले हैं। अगर आपने किसी काम में खर्च किए तो कोई बात नहीं, ये आपका भी तो पैसा है। सौम्या की बात सुनकर अनुपमा सोचती है, हे राम कहीं मैंने दूध वाले को पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए। फिर वो घबराते हुए अपनी बहू सौम्या से कहती है, सच कहूँ बहू तो मुझे पैसे गिनने नहीं आते और ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे लिए तो सब कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है। मुझे लगा कि तुमने दूध के पैसे गिनकर रखे होंगे सो मैंने उठाकर उसको दे दिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रामलाल मुझसे ही दगा कर जाएगा। मैंने तो उस पर कितना भरोसा किया था, पता नहीं आज मुझे अनपढ़ के कारण तुम्हारा कितना नुकसान हो गया होगा। माँ जी आप क्यों परेशान हो रही हैं? पैसे दूध वाले को ही ज्यादा गए ना, कोई बात नहीं अगले महीने के हिसाब में लगा दूंगी। लेकिन माँ जी एक बात बताइए, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप ये बात मुझसे कह देती। आप जानते हो जब उदय ने मुझे ये हिसाब किताब दिया तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हिसाब किताब मुझे मिले। मैंने जब उदय से कहा तो उन्होंने कहा कि हिसाब किताब तुम संभालना, फिर मैं मना नहीं कर पाई और ना ही मुझे ये पता था कि आपको पढ़ना नहीं आता। अब सौम्या के मन में ये इच्छा जाग जाती है कि वो अपनी सास को पढ़ना लिखना सिखाएगी, इसलिए वो ऑनलाइन ऐसे स्कूलों को ढूंढने में लग जाती है जहां उनकी उम्र की महिलाओं को पढ़ाया जाता है। कुछ दिनों तक तलाश करने के बाद सौम्या को ऐसा एक स्कूल मिल भी जाता है। उदय मैंने ऑनलाइन एक ऐसा स्कूल ढूंढा है जहां माँ जी की उम्र की औरतों को पढ़ाया लिखाया जाता है, मैं चाहती हूँ कि माँ जी भी स्कूल में जाए और पढ़ना सीखे। तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है सौम्या, लेकिन क्या माँ इसके लिए तैयार होगी? मैं कुछ नहीं जानती उदय, आप किसी भी तरह माँ जी को मना लो। उदय अपनी माँ से बात करके उन्हें स्कूल जाने के लिए मना लेता है। फिर वो दोनों जाकर अनुपमा का एडमिशन करवा देते हैं।
अगले दिन उदय अनुपमा को स्कूल छोड़ आता है। कुछ दिन स्कूल में पढ़ने लिखने के बाद अब अनुपमा को पढ़ना लिखना आ जाता है। फिर एक दिन दूध वाला अपना हिसाब लेने आता है तो सौम्या अपनी सास को आवाज लगाकर कहती है, माँ जी जरा एक बार दूध वाले का हिसाब कर देना, मैं रसोई में कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है बहू, तुम अपना काम निपटा लो, तब तक मैं इस दूध वाले को निपटा कर आती हूँ। फिर अनुपमा पैसे लेकर जाती है और दूध वाले से कहती है, रामलाल तुमने मुझसे अनपढ़ समझकर पैसे ठगे थे, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारी ईमानदारी पर मैंने कभी शक नहीं किया, वो तो भला हो मेरी बहू का जिसने मुझे सच सच बता दिया, मैं तो खामखा तुम्हें ईमानदार समझ रही थी, आज के बाद अगर कभी किसी हिसाब में गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मैम साहब, इतने नोट देखकर मैं लालच में आ गया था, इसलिए झूठ बोल दिया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अनुपमा आंखों में आंसू लिए रसोई में आती है और अपनी बहू से कहती है, सौम्या बहू आज सिर्फ तुम्हारे कारण मुझ में इतनी हिम्मत आई जो मैं ये हिसाब कर पाई, आज मुझे पढ़ाई की अहमियत समझ आ गई बहू, पढ़ाई करके जो आत्मविश्वास और समाज में इज्जत मिलती है उसका भी अपना ही मजा है, तू मेरी बहू नहीं बेटी है बेटी, भगवान तुझ जैसी बहू हर किसी को दे। माँ जी ये सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है, जो आपने समाज की परवाह किए बिना अपनी पढ़ाई जारी रखी, मुझे गर्व है कि आप मेरी सास हैं। दोनों सास बहू आंखों में खुशी के आंसू लिए एक दूसरे को गले लगा लेती हैं।